हाँ तो बच्चों, इस पाठ के आगे ये है आपका, और वहां सदा सत्य बोलते थे, किसी को कष्ट नहीं देते थे। कष्ट मतलब दुख, सत्य मतलब ट्रुथ। इसीलिए वहां किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, तो उनको डर नहीं था किसी का। डर किसको होता है जो झूठ बोलता है, कि अभी मेरी झूठ पकड़ा जाएगा तो मुझे मार पड़ेगी या कुछ होगा, सजा मिलेगी, है ना। वो तो सच बोलते थे हमेशा, तो उन्हें किसी से डर नहीं था। फिर उनके पास तीन बंदरों की मूर्तियां थी, उनके पास तीन मंकीज की मूर्तियां थी। वे बताती थी, क्या बताती थी वो मूर्तियां, किसी की बुराई ना कहो। पहला बंदर मुंह बंद रखता था, किसी की बुराई ना कहो। दूसरा, किसी की बुराई ना देखो, आंखें बंद करके किसी की बुराई ना देखो, किसी की बुराई ना सुनो। तीसरा बंदर कान बंद करके रखता है, किसी की बुराई ना सुनो। वो मैंने आपको फोटो एक भेजी है, उसमें है तीनों बंदर की, ठीक है। वहां इन बातों का पालन भी करते थे। अब ये नहीं कि वो तीन बंदर रखे हुए तो बस रखे हुए, वो इन बातों का पालन भी करते थे, मतलब उनको अपना ओबे भी करते थे। इसलिए उन्हें लोग महात्मा गांधी कहते थे, इसीलिए उन्हें लोग महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि वो किसी की बुराई ना कहते थे, ना किसी की बुराई देखते थे, ना किसी की बुराई सुनते थे। हमें भी उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, मतलब वो उनके जीवन से हमें भी टीचिंग लेना चाहिए, कि वो सच बोलते थे, किसी को कष्ट नहीं देते थे, बुराई नहीं देखते थे, ना कहते थे, ना सुनते थे। हम बिल्कुल तो महात्मा गांधी या बिल्कुल तो दलाई लामा जी जैसे नहीं बन सकते हैं, पर उनके जो जीवन की कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, वो हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं, ओबे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेसन खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर का वीडियो दूंगी।